हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है, इंग्लिश बोलने का अपना ही मज़ा है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का अपना ही मज़ा है, टीवी देखने का अपना ही मज़ा है। तो इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट में दोनों ही टाइम में बोले जाते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, उसके साथ बात करने का अपना ही मज़ा था। तो आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आई मीन दैट जेरंड फॉर्म, V4 को राइट करना पड़ेगा, और उसके बाद अदर वर्ड्स को V4 के साथ ही अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे, जो भी वर्ड आएगा तो, या नहीं तो नाउन आएगा, यहाँ पर वर्ब या नाउन में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर में लगाना होगा, यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो आपको लगाना पड़ेगा हैज, यदि आप सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हैं तो लगाना पड़ेगा हैड। उसके बाद लास्ट में लगा देंगे इट्स ऑन फील, इट्स ऑन फील का यूज किया जाता है, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है अपना ही मज़ा है। वेल लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वेल आज का पहला सेंटेंस है, कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है। वेल इस सेंटेंस के लिए कहेंगे हैविंग कॉफ़ी हैज इट्स ऑन फील, हैविंग कॉफ़ी हैज इट्स ऑन फील। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर इसी सेंटेंस को हम लोग पास्ट में बोलेंगे तो कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा था। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हैविंग कॉफ़ी हैड इट्स ऑन फील, हैविंग कॉफ़ी हैड इट्स ऑन फील। नेक्स्ट सेंटेंस, अंग्रेजी बोलने का अपना ही मज़ा है। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश हैज इट्स ऑन फील, स्पीकिंग इंग्लिश हैज इट्स ऑन फील, या टू स्पीक इंग्लिश हैज इट्स ऑन फील, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, टीवी देखने का अपना ही मज़ा था। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वॉचिंग टीवी हैड इट्स ऑन फील, वॉचिंग टीवी हैड इट्स ऑन फील। अगर प्रेजेंट में बोलना हो तो टीवी देखने का अपना ही मज़ा है। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वॉचिंग टीवी हैज इट्स ऑन फील, वॉचिंग टीवी हैज इट्स ऑन फील। हे दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको एक संडेस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी देख लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को बिट कर ले ताकि मैं रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।